नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम अगड़ी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड मेजर जनरल राजीव नारायण सर, और आज का मुद्दा बहुत ही सस्पेंसफुल वाला है। इतने महीनों से बात हो रही है अज्ञात हमलावर, द अननोन मैन, जिसको लेकर अब एक नई मुहिम चल पड़ी है, वी लव द अननोन मैन काइंड, और दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द व्हाट यू से, द न्यू मोसाड और रिफाइंड मोसाड, That's raw now. Sir, आज उसे पे elaborate करेंगे। Sir, a very warm welcome you. Thank you. Thanks to the flood delay हो गया, नहीं तो Wednesday होना था। No problem, sir. कल ही शाम को power आया, internet आया, सब कल दिन में आया वापस। So it's nice to be back. Yes, हमारे लोग जो है ना underestimate करते हैं raw। My association briefly, thoda bahut, I won't say I'm an expert with raw, began in 1993 जब मैं बांग्लादेश जा रहा था, और ये रॉ ने भिजवाया था। शुरू होता था स्टाफ कोर्स वहां पे, हो गया था, फिर बंद हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश के पास हमें सिखाने के लिए कुछ नहीं। बट क्योंकि पाकिस्तान और चीन के वहां आते थे, रॉ ने बोला था भेजो। So I was the, when it restarted, I was the second person to go. और मेरी दो चार सिटिंग्स उनके साथ हुई थी, किस तरह से इंफॉर्मेशन निकालना, बिकॉज एज अ स्टूडेंट एवरीथिंग इज ओपन, एज अ डिप्लोमैट देयर लॉट ऑफ डोर्स विच आर नॉट ओपन। आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। यस, मेरे पीछे उनके जैसे ISI है बांग्लादेश में, DGFI है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, वो मेरे पीछे होती थी। अब वो दिख जाता था, उनको कुछ आता नहीं है, वो मोटर बाइक वही होता था, बंदा वही होता था। कई दफा तो पर्ची दे देता था उसको मैं जाके कि लल्ला अगर घूम जाए तो यहां जा रहा हूं मैं, वहीं पहुंच जाना तुम। सो और कई लोगों का ये होता है कि हमें उनको पता नहीं है तो दे प्रेज्यूम कि कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई शोज में भी बताया है कि लाइक डिप्लोमैट्स, रॉक के लिए बहुत ये कनेक्ट होता है। एक पुराने हिंदी फिल्म का मदनपुरी का स्टेटमेंट है, अल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कहता नहीं है। सो ये लोगों को समझ में आना चाहिए। बहुत 68 से धीरे 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 करके दे हैव बीन डूइंग ट्रेमेंडस वर्क, एंड 80s में तो काफी इनका जोर शोर था। दो चीज में इनको झटका लगा था, एक तो जो गुजराल साहब का गुजराल डॉक्ट्रिन, सबसे मतलब रिडिकुलस एंड फूलिश डॉक्ट्रिन, वेर ही gave out all the names of all the spies that we had there. और result क्या हुआ, 99 में आपके ऊपर हमला हो गया, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया, happy थे। Next, it is an allegation, but there is no smoke without fire. 2007 से 12 में हमीद अंसारी was the vice president, और इनकी काफी सिटिंग शुरू हो गई थी एक जर्नलिस्ट से हु हैड ISI लिंक्स, डिस्पाइट रॉ टेलिंग हिम नॉट टू डू इट, एंड देर आर एलिगेशंस दैट ही शेयर्ड अ लॉट ऑफ रॉ के एजेंट्स के डिटेल्स एंड एवरीथिंग, जो वहां पे निकाल दिए गए पाकिस्तान में। एंड रिजल्ट क्या हुआ, 2007 से ये हुआ, 2008 में वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन मुंबई। लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप इस इन्हें इनसे बड़े, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, इन माय डिक्शनरी दे आर ट्रेटर्स, क्योंकि ये समझना चाहिए कि अपने एजेंट्स को तैयार करने में डिकेड्स लगते हैं, 8-10 साल लग जाते हैं, भरोसा डेवलप करना पड़ता है हैंडलर को उसके साथ। कई दफा होता है आपको एक कोई बहुत ही अच्छा एक्शनेबल इंट दे देगा, लेकिन अगर आप उस पर एक्शन कर दोगे तो सोर्स आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा,
अगर ऐसा होता है तो आपको सोच समझ के काम करना है कि सोर्स को कॉम्प्रोमाइज करूं या रहने दूं, छोटा मोटा कुछ कर दूं। तो सोर्स का तभी भरोसा आता है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अब ये दो दफा जब कॉम्प्रोमाइज हो गए तो बिल्डअप करने में समय लगता है, और समय के बाद अभी हमको सब पता है अननोन गनमैन। अब आप पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में सोच लो, क्या है? खाना खाने से डरता है। आई एम कोटिंग व्हाट सुमित सरीन हैड आल्सो पुट अप ट्वीट, बहुत बढ़िया लिखा है। खाना खाने से डरता है कि पॉइजन हो जाएगा, जेल जाने से डरता है कि वहां पे मार देंगे, घर से बाहर निकल के पैदल चलने में डर लगता है कि वहां मार देंगे, घर में बैठे तो डर लगता है कोई बम फोड़ देगा। ये हालत है उनकी आज की तारीख में, एंड इसके लिए आई विल गिव फुल मार्क्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर, द एनएसए एंड द फॉरेन मिनिस्टर, कि इस तरह से R&AW को स्ट्रेंथन किया है कि उनका नेटवर्क सब तरफ फैल गया। हमारे लोग भूल गए हैं, उनको दोबारा बताऊं कि अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए उनको। अर्थशास्त्र में कूटनीति के अंदर एक तुष्णिम युद्ध या गॉड युद्ध बोला गया है, साइलेंट वॉरफेयर। इट्स ऑलवेज अ वॉर। हम सोचते हैं लड़ाई मतलब तलवारबाजी, ना जी, ये भी एक लड़ाई है। जब आप अंदर से दूसरे देश को खोखला करो, उनके जो एजेंट्स आपके घर पे काम कर रहे हैं तो उनको डरा दो, और ये डर अच्छा है, और आप देख लो वो गाजा में बुला रहा है उनको कि आ जाओ हमें हेल्प करो, यहां तो दाल गल नहीं रही है तुम्हारी, वहां आ जाओ। ठीक है, अभी इस लार्जर पिक्चर में आप देख लो कनाडा, कनाडा जैसे हमारे पंजाबी दोस्त बोलते हैं, और US, निज्जर और पन्नू के केस। जब ये सोच रहे हैं कि हम रॉ को दबा रहे हैं, ना, डू यू रियल हैव दे रियलाइज्ड कि रॉ का नाम कितना पूरे संसार में गूंजने लगा है। जिस तरह से मोसाद का नाम गूंजा था जब वो एंटी नाज़ी के पीछे भागे थे, अब खालिस्तानी और इस्लामिस्ट टेररिस्ट के पीछे नाम से अब रॉ। अरे आप इमेजिन कर लो, गाजा में एक LET का बंदा गया हुआ था, अननोन गनमैन ने उसको भी ठोका है, आई थिंक 8th या 9th को, पिछले महीने 7th नवंबर को ये हुआ था, आई थिंक 8th या 9th को उसको ठोका अननोन गनमैन। कोई जगह नहीं बची है अभी। अगर US कह रहा है कि ये मारने आया था, चलो उन्होंने जो बनाया आपने भी किया हुआ है DGP के साथ, तो मुझे उस पर ज्यादा बताना नहीं है, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गया था जो उसकी चार्जशीट पड़ी। तो इन्हें एक सी ग्रेड फिल्म वाला भी दो दफा सोचेगा कि यार इस पर पिक्चर बनाऊं कि नहीं, थोड़ा कुछ और मिर्च मसाला डालता हूं, कमी है इसमें, ये उसके लायक है यार। इनको पता ही नहीं है कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि दो दफा इनके साथ, रॉ के साथ मैंने काम किया था, एक जब वहां गया था बांग्लादेश, और थोड़ा बहुत बात करके किस तरह से करना है, मैं जब DA था ताजिकिस्तान। तो समझ में आता, मैं तो इन्हें थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देखा है, समझ में आ जाता है कैसे काम करते हैं, ये क्या मजाक बना रखा है। इन्होंने लगता है इन्हीं के देश का एक ऑथर है जॉन लेकार, जो स्पाई के नॉवेल्स लिखता है, इन्होंने पढ़ा नहीं है, इनको पढ़ना चाहिए समझने के लिए कि स्पाइस काम कैसे करते हैं, तो चार्जशीट भी ठीक बनता। अब चार्जशीट भी लिया किससे, एक क्रिमिनल का स्टेटमेंट ले रहे हो, वो तो अपनी लुटिया बचाने के लिए कुछ भी बोल दे। आई डोंट नो, बट बेसिकली ये अननोन गनमैन जो है ना,
हमारे R&AW का नाम पूरे संसार में रोशन कर रहे हैं। अभी आई वोंट बी सरप्राइज जब कुछ और देश भी आके हमसे बात करने लगे, यार हमारे भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ हेल्प करो। ठीक है, इन्हें ये वही याद दिलाता है लोगों को कि जैसे कैसे मोसाद और एक खास आदमी था इजराइल का, साइमन वेसेंथाल, इन्होंने चुन चुन के बंदों को लाया था। इन्होंने तो लाया था ट्रायल के लिए, हमें पता है कि ट्रायल से कोई फायदा नहीं होगा, तो ये चाहते हैं कि ऊपर जाए। तो इनका काम है, जैसे हम फौजी भी कहते थे कि ये सारे लड़ने आते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ने भेजा है हमको, अल्लाह ने बताया है, तो हम उनको भेज देते हैं अल्लाह के पास कि जाके पूछ लो यार कि भेजा था कि नहीं भेजा था। तो वही हो रहा है अभी इन लोगों के साथ कि भाई जाके बात कर ले उससे। अब इन्हें खास तौर पे इन्होंने एक दफा एलिमिनेशन किया था, म्यूनिक मैसेकर 1972 म्यूनिक गेम्स में मैसेकर हुआ था चुन चुन के। हालांकि दो एक गलत आदमी को भी मार दिया था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, चुन चुन के एक एक को जहां भी था वो मारा। अभी उसी तरह से चुन चुन के ये लोग मर रहे हैं और डर रहे हैं। तो NIA भी काफी जोर शोर से काम कर रहा है, IB भी जोर शोर से काम कर रहा है। तो एक इनके एक ब्रिगेडियर साहब का मैं देख रहा था, इन्हें वीडियो किसी ने भेजा था मेरे को, US अपने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब का, वो लोगों को कह रहा है कि अभी एक फौज बन रही है वो ईस्ट में जाएगी और वो जो बैठे हैं राज कर रहे हैं उनको चेन में जकड़ के लेके आएंगे, उसके बाद हम वेस्ट जाएंगे किधर बगदाद की तरफ। मतलब पता नहीं मुंगेरी स्टेटमेंट ना सर, ये पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का, ये किस तरह के सपने है यार, मुंगेरी लाल भी ऐसे सपने नहीं देखता था सीरियल में। इनके अपने अपने ही है, इन्हें एक भी लड़ाई तो लड़ी नहीं है। इनके खुद के कौम बोलती है कि यार ये बैज किस लिए लगाते हो, एक जंग भी तो जीते नहीं हो, सब पिट पिटा के आ गए हो। लेकिन यहाँ पे जितने भी गैलेंट्री बैज, ये बैज वो सब लगा के घूम रहे हो, किसके बैज हैं? तो किसी ने एक बोला था कि हर एक प्लॉट जो खरीद लेता है तो उसका बैज लग जाता। अभी एक चीज बहुत अच्छा हो रहा है कि डर लगने लगा है, और ये डर जो अंदर से हमें खोखले कर रहे हैं उनको भी ये डर लगने लगा कि क्या है, कि गाज कब पड़ जाए। कोशिश तो दूसरे तरफ से जरूर रहेगा कि जब वो दबाव में आ जाता है कि हाथ पैर तो मारेगा, लेकिन क्योंकि अब NIA IB भी स्ट्रांग हो गया है और मेरे लिहाज से तो रॉ अब काफी सक्रिय हो गया, काफी स्ट्रांग हो गया है नेबरहुड में, तो ये डर इस तरह से फैलना चाहिए कि एंटी इंडिया काम जो होता है वो ना हो। अभी आप देख लो USA वाले भी कितने डर गए। पिछले अक्टूबर नवंबर में, ये काफी अक्टूबर से शुरू हो गया था शेख हसीना के अगेंस्ट बातचीत, ये वो नहीं ये करना है। पिछले एक महीने से एक चू तक निकला है वहां से। Yes, हाँ सर, ये तो मैंने अभी आपने कहा डर, ये डर अच्छा है, डरना चाहिए। एक चू भी नहीं निकला। अभी पहले भी आपके साथ मैंने शो किया था म्यांमार में, चाइना तो रो रहा है, उसने तो उसको इतना डर लग रहा है कि क्या कूस है उसका जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन है वो उड़ जाएगा। उसने तो शिप भेज दी थी अपनी, उसके दो शिप आके डॉक करके गए वहां पे, इतना डरा हुआ है म्यांमार में। लोग कह रहे थे कि नहीं हम मर गए, ना जी, अपने रॉ पे भरोसा करो, बहुत काम करते हैं वो, अकल है उनमें क्या करना है, और करके दिखा दिया है। और उसका सीधा एग्जाम्पल क्या हुआ है,
मणिपुर का सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर कर दिया है पूरा, द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट मेती का, दैट वाज द बिगेस्ट मिलिटेंट ग्रुप, दे हैव सरेंडर्ड एन मास कि अब दाल नहीं गलने वाली। इसका मतलब क्या है? नहीं, ये छोटे छोटे चीजों को जब आप पिरोते हो ना, फिर आपको सीन समझ में आता है कि अभी जूते पड़ने लगे हैं सब तरफ से। अब वो निकल के आ रहा है कि चीन में चिनगांग को तो उसने जुलाई में ही मार दिया था, इंजेक्शन दे के मार दिया, जो उसका पूरा पुराना फॉरेन मिनिस्टर था। ओह माय गॉड, वो अब निकल के आ रहा है कि जुलाई में, और कह रहे थे सुइसाइड, बट निकल के आ गया है कि सुइसाइड नहीं था, उसको तो एग्जीक्यूट किया, इंजेक्शन दे के मार दिया है। अब ये खुल रहा है कि क्या ली केशांग को भी इंजेक्शन दे के मारा है? तो मतलब आप ये निकाल कौन रहे? अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट ये कि निकाल कौन रहे? नहीं, निकाला तो शी जिनपिंग ने है, लेकिन अब डर लगने लगा है ना। अभी अब ये सब यानी पहले तो यानी जो पहले दो टर्म में जो कर रहा था वो तो जो भी उसके अगेंस्ट थे उसको निकाल रहा था, अभी तो इसके चुने हुए लोगों को निकाल रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर बना था ली शांगफू, इसी का चुना हुआ था। चिनगांग कई लोगों को सुपरसीड करके गया था, इसी का बनाया हुआ था। वैफंगा जो पिछला डिफेंस मिनिस्टर था, इसी का चुना हुआ था। तो अपने चुने हुए लोगों को ही निकाल रहे हो तुम, तो इनको कॉम्प्रोमाइज किसने किया? ये भी सोचने वाली बात है ना कि कॉम्प्रोमाइज किसने कर दिया इन लोगों को, निकालना पड़ गया। मारा किसने? कॉम्प्रोमाइज हुए है ना, जब ही तो उसको बुला के मार दिया उसने। अब चिनगांग की जो गर्लफ्रेंड थी, उसका बच्चा भी था उसके साथ, वो गायब है अभी, अभी उसका कोई खबर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं लास्ट में उसका लास्ट विश यही था कि मेरे फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं शी जिनपिंग ने कहा था हाँ तेरे फैमिली को हम कुछ नहीं करेंगे, बट ही इज बीन एग्जीक्यूटेड। लेकिन मतलब ये है कि ऐसा हो गया है माहौल अब कि उसको ये नहीं समझ आ रहा किस पे भरोसा करो। हालत ये हो गई है शी जिनपिंग की कि वो फ्लाइट में नहीं जाता है, इतना डर उसके अंदर बैठा दिया है कि फ्लाइट में जाओगे इवन विद इन चाइना तो आपके एयरक्राफ्ट को उड़ा देंगे। वो तो बुलेट ट्रेन में जाता है जहां भी जाना, फ्लाइट पकड़ता ही नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा कि रॉ ने ये फैलाया है, बट ये डर उसके अंदर भी आ गया। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी काबिलियत और अपने कैपेबिलिटीज पे भरोसा होना चाहिए। रोते हुए, ये पुराना इंडिया नहीं है जो रोता था हाय मर गए हाय मर गए। अब ये वो इंडिया है जो जिसके ऊपर पड़ता है वो रोते हैं हाय मर गए हाय मर गए। कि आप देख लो कि यूएसए जैसा बंदा रो रहा है हाय मर गए हाय मर गए। मतलब क्या कर सकते हैं, इन्हें इस लेवल पे आ गए हैं कि जो मिलिटेंट है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, जो टेररिस्ट है उसको सपोर्ट कर रहे हो आप, उसको पता ही है कि अब मैं लाफिंग स्टॉक बन रहा हूं सब तरफ। और लेटेस्ट है इसके अगेंस्ट तो इम्पीचमेंट मोशन शुरू हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है बाइडेन के पीछे, और उसके जो हंटर बाइडेन है उसके बेटे के ऊपर भी कैलिफोर्नियन कोर्ट में अभी दोबारा और आ गया है मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब का। तभी देखते तभी ये सब डरे हुए घूम रहे हैं अब, बिकॉज अगर वो लिंक हो गए फॉर टेरफेंडिंग तो खत्म, हंटर बाइडेन तो गया। और टेरर फंडिंग तो हम भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। नो, दीज आर द थिंग। आप रोते हो कि उसको ये नहीं बोला उसको वो नहीं बोला, प्रेस में पढ़ो जो हमारे जो जिसको जनरल वी के सिंह ने सही बोला था, प्रेस्टिट्यूट्स पैसे लेके जो लिखते हैं हाय मर गए लुट गए कुट गए, इंडिया को जवाब देना होगा। हाँ, इंडिया को जवाब देना होगा, अभी तो उनको जवाब देने पड़ रहे हैं।
हमारे पास आके नहीं, अपने कोर्ट में जवाब दे दो, अपने कांग्रेस को जवाब दे दो, सेनेट को जवाब दे दो, हमसे तो बाद में मिलना ना। अभी तो आप देखना, वो एक्सेप्ट करके, मेरा ये मानना है, आई कुड बी रॉन्ग, एक्सेप्ट करके आएगा 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड के, ही विल कम। नाउ द इंडियन डायस्पोरा इन यूएस कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, अनफॉर्चुनेटली उतना वेट कैनेडा में अभी हुआ नहीं है, यूके में अभी धीरे धीरे उभर के आ रहा है, उतना आया नहीं है, बट यूएस में काफी तूर पकड़ चुका है, और उनको पता है कि अगर ये चीजें नहीं करेंगे, इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के नहीं रखेंगे, तो काफी जो डेमोक्रेट्स को वोट करते थे, दे विल वॉक अक्रॉस टू रिपब्लिकन्स। वैसे ही उसका गैप तो बहुत ज्यादा है बिटवीन ट्रंप एंड बाइडन, बिटवीन ट्रंप एंड अदर्स ऑल्सो काफी बड़ा गैप है। ट्रंप 40 प्लस पे है, डिसेंटिस 13 पे है, ये 12 पे था विवेक रामस्वामी, और 11 पे थी निकी हेली। अभी लास्ट जो अभी इनका डिबेट हुआ था उसके बाद अभी तक दोबारा दिखाया नहीं है, बट ट्रंप इज वे अहेड, ट्रंप इज वे वे अहेड इन द रिपब्लिकन एंड हिज केस इज गोइंग नोवेयर। तो अभी तो डेमोक्रेट्स आर ऑल्सो गेटिंग स्केर्ड कि अगर केस डजंट गो एनीवेयर तो बाइडन इज गॉन, डेमोक्रेट्स आर गॉन, एंड द डे डेमोक्रेट्स गो, हंटर बाइडन विल बी इन जेल, एंड फॉर ऑल यू नो जो बाइडन माइट ऑल्सो गेट ट्रैप्ड इन दैट, बिकॉज इसके अभी काफी मीम्स निकलने आ गई हैं ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के मीम में क्या दिखाया है, वॉशिंग मशीन के अंदर डॉलर पड़े हुए, वो वॉश करके सुखा के सैक्स में भरा हुआ, वो नीचे इनके अपार्टमेंट ब्लॉक में पूरे वो वॉशिंग मशीन्स लगे रहते हैं इनके अपार्टमेंट ब्लॉक्स में। यू कैन गो डाउन एंड वो पेमेंट करके यू कैन डू योर वॉशिंग, यू डोंट नीड टू हैव अ वॉशिंग मशीन इन योर अपार्टमेंट। वो नीचे ब्लॉक में रो में वॉशिंग मशीन होता है, वहां से निकालो, ड्रायर होता है, तो वो बैठा है विद सैक्स एंड सैक्स ऑफ मनी, और सारे वॉशिंग मशीन के अंदर उसके पैसे धुल रहे, इंडिकेटिंग ही इज लॉन्ड्रिंग मनी। दीज आर द मीम्स विच हैव कम आउट फ्रॉम यूएसए। तो अब ये हालत हो गई है उनकी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करो, पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है, बांग्लादेश में चुप्पी हो गई है, म्यांमार में के पीछे चाइना रो रहा है, और चाइना को तो छोड़ ही दो, अभी तो शी जिनपिंग ही इतना डरा हुआ है कि किस पे भरोसा करे। ये ऐसे ही नहीं होता, ये नहीं कहता कि हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन मौके पे चौका मारना आता है लोगों को। सो व्हेन यू सी योर नेबरहुड, अब वो इतना शोर शराबा किया मुइजू ने, नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, निकालेंगे। मोदी जी के साथ जब बातचीत थी तो क्या हुआ, टाइम टाइम फिस, नहीं नहीं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, द डिफेंस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ये क्या हो गया, वापस जाके नहीं नहीं मैंने बात किया है, वो फेज्ड विड्रॉल करेंगे, वहां तो कुछ और बोल रहा था इंटरनेशनल मीडिया में। तो दीज आर दी वेज यू लुक एट श्रीलंका। अब वो तो चाइना के अगेंस्ट जाके आपको यूएसए को और जापान तीनों को मिला के वो तो आपको ऑलमोस्ट अभी कोलंबो पोर्ट आपको मिल जाएगा पूरा। अभी तो एक पियर बना रहे हैं, पहले बनाया था, एक और बना रहे हैं, चाइना रो रहा है, वो तो आप पोर्ट ले लोगे उससे, तो उसका क्या हुआ इंडियन ओशन वाला। हम्बनटोटा में इतना पैसा उसको देने के लिए है नहीं अभी। सो वी हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर। ये चीजें मतलब आपको कोई लिख के नहीं देगा कि खड़े होके ट्वीट करके या सारा निकाल के जिंदाबाद मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया। इस तरह से आपके रॉ वगैरह आईबी वगैरह ये काम नहीं करते, चुपचाप से काम करते। यू हैव टू सी द रिजल्ट्स, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड देन गैदर कि हाँ दिस इज हाउ द थिंग्स वुड हैव पैंड आउट। खुल के कोई आके थोड़ी बोलेगा,
और ये लोग जो रो रहे हैं कुछ नहीं कर रहा, उनको चाहिए कि आप आके बताओ। क्यों बताएं भाई, उनका काम ही नहीं है बताना, और जो काम कर रहे हैं उसमें बताते नहीं है। रिजल्ट आता और रिजल्ट आप देख रहे हो, रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। अभी इजराइल, गाजा, रशिया, ईरान, कतर अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुआ है। यहां से वॉइस आ रहा है कि अगर यहां पे सुलह कराना है तो इंडिया हैज टू स्टेप, वी विल रेस्पेक्ट इंडिया। चाइना के लिए बोला है कि चाइना अगर करना चाहता है, बुलाया है, ओ हो शोर शराबा, अरे उसने सारे मुस्लिम कंट्रीज को बुला लिया, सुलह करेंगे। वन स्टेटमेंट विच केम आउट फ्रॉम द मुस्लिम कंट्रीज, चाइना हैज टू ड्रॉप इट्स बायस। चाइना ने तो इंस्टिगेट करके पूरी लड़ाई लड़वाई है, तो वो कैसे पीस करेगा? उसको इजराइल ट्रस्ट करेगा? करेगा ही नहीं। यूएस ट्रस्ट करेगा? करेगा ही नहीं। दिस इज योर स्टैंडिंग। आप अननोन गनमैन कितने भी चला लो, बट आपकी स्टैंडिंग ये है कि दोनों साइड के लोग कहते हैं आपसे बात करें, अगर आप करोगे तो हम तैयार। और यूएस तो उसको पैसे मिलने वाले है नहीं, और यूक्रेन का लड़ाई तो खत्म हो गया है, एंड आई एम टोल्ड कि यूक्रेन का मिलिट्री हेड एंड रशियंस दे आर टॉकिंग, द रशियन मिलिट्री हेड एंड द यूक्रेनियन मिलिट्री हेड आर बैकडोर चैनल, बात चल रहे हैं क्या? ठीक है, एंड श्योर वी वुड हैव फैसिलिटेटेड दैट, कि यूक्रेन में भी ले लो, दोनों साइड हम पे भरोसा करता, यहां पे भी ले लो। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ हमास, वो तो पागल है, उनको तो छोड़ दो। जो सिविलियंस हैं और जो इजरायलीज हैं, वो दोनों आप पे भरोसा करते कि हाँ, क्योंकि आप किसी बायस के साथ नहीं आओगे। और ये सेटिंग आता है आपके एक्सटर्नल एजेंसीज जो काम कर, विच इज नॉट जस्ट द डिप्लोमेसी, इट इज ऑल्सो द रॉ। अब उन लोगों को भी भरोसा हो गया है गाजा वालों के कि यार अगर एलईटी को मार सकता है तो बाकी लोगों को भी मार सकता है ये। तो हम पे जो दबाव डाल रखा है इन्होंने, हमास ने, हमको छूट मिल सकती है। तो दीज आर द थिंग्स, यू आई फील पीपल अंडर एस्टिमेट ना। अगर हमारे फौज में कई चीज होता है, नो न्यूज इज गुड न्यूज, कई जगह बोले जाते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो अगर आपको न्यूज नहीं आ रहा रॉ के बारे में, तो पहले समझो ना काम कैसे करते हैं रोने से पहले। तो ये सब तरफ हमारे जो विपरीत काम करते हैं उनके अंदर डर है, और ये डर अच्छा है जी। सर इन्होंने, अगर मेरे ख्याल से जो आपने अभी दो इंसिडेंसेस बताए, अगर हमीद अंसारी और गुजराल डॉक्ट्रिन नहीं हुआ होता, तो आई थिंक वी वुड हैव बीन फार अहेड इन द गेम। ओ यस। देखो, जैसे मैंने कहा, तकरीबन 10 साल लगते हैं आपको अपने बंदों को तैयार करने के लिए। अभी अजीत डोभाल जी का भी देख लीजिए, पिछले 8-9 साल से तो चुप्पी थे, तो अननोन गनमैन अभी पिछले 8-9 महीने से, तो 97 एंड बाय 2007 व्हेन यू वुड हैव बिल्ट अप, उसने फिर खत्म कर दिया। सो नाउ यू नोटिस 10-15 साल हो गए, और 2014 से ले लो तो 9 साल हो गए। लोग यानी देखो, आपके जो सोर्सेस होते हैं वो उस कंट्री के होते हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट देयर लाइफ, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एट सम पॉइंट इन टाइम वो कॉम्प्रोमाइज होगा, वो तो इट्स अ डन थिंग, पैसे के लिए आया है, बट सम पॉइंट इन टाइम ही विल गेट कॉम्प्रोमाइज, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, आपके ऊपर भरोसा है, वो काम कर। सो एंड यू विल बी अमेज्ड एट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू गेट फ्रॉम देम इफ यू ट्रस्ट।
बाय द 2003 अक्टूबर में पहुंचा था, बाय 2005 ताजिकिस्तान मिनिस्ट्री उसके प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई भी चीज होने से पहले मुझे खबर आ जाती थी, मैं एम्बेसडर को बता देता था, उसके बताने के 2-3 घंटे बाद न्यूज में आता था, वो पूछता रह गया पता कैसे है? मैंने कहा नहीं मैं बता रहा हूं आपको, अब पता कैसे लगा आप मत बताओ, पहले भरोसा नहीं था, फिर वो देखने लगे कि यार 90-95% ऑफ व्हाट आई सेड इज व्हाट इज कमिंग आउट इन द न्यूज, 3-4 घंटे बाद, कभी 1-2 दिन बाद, देन ही स्टार्टेड हैविंग ट्रस्ट इन मी कि हाँ, बट वो ही होता है कि यू आर सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज योर सोर्स हैज ट्रस्ट इन यू, इफ द सोर्स डजंट ट्रस्ट यू यू आर फिनिश्ड, आप काम नहीं कर सकते, और सोर्स का ट्रस्ट मिसलीड भी कर सकते हैं, मिसलीड भी कर सकते हैं, बिकॉज़ वी रिमेंबर जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ, मिसलीड करके एक ही बंदे से इंफॉर्मेशन लेके काम नहीं चलता, यहाँ पे आपको मल्टीपल लेना पड़ता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि क्या इन दोनों के पीछे जो बंदा दे रहा है वो सेम है कि नहीं। मैं 5 लोगों को सेम न्यूज दूंगा, आप 5 डिफरेंट लोगों से ले लोगे, बोलोगे न्यूज सही है, सोर्स जहां से आपको न्यूज आया वो बंदा नहीं है, वो कहां से पता करके लाया है वो, सो इट इज नॉट एन इजी थिंग, दैट्स व्हाई हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी, यानी आप कहीं भी देख लो वो सोर्स को ग्रेड करते हैं, ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है, ए बी सी, इस तरह से आपका ग्रेडिंग्स वगैरह होता है, उसके चलते फिर देन यू से कि ओके ये सही बोलता है, ये हो सकता है, नहीं ये एम ही पैसे के लिए बोल रहा है, सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि लोग की ग्रेडिंग होती है सोर्सेस की, तो ये जो पैसा आता है तो डज इट गो इन सम ऑफिशियल अकाउंट्स, मतलब ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज्ड होता है? नो, नो ऑफिशियल अकाउंट, देयर इज नो ऑफिशियल अकाउंट, और आप जो भी पैसा देते हो आपके पास आता है, इट इज ऑल अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट टू यू ऑल्सो, देयर नो अकाउंटिंग, आप बस अपने पास नोट करके रखते हो कि किसको कहां कितने पैसे दिए, क्या दिए, मतलब नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ना ना उसको उनके रिलीजियस सेरेमनी के लिए क्या क्या गिफ्ट कर दिया, क्या नहीं किया। अच्छा, ओके, किसी का कुछ है, रिलीजियस फंक्शन है, तो उसमें तोहफे देते हो आप, दैट इज हाउ यू बिल्ड ट्रस्ट, इज नॉट जस्ट लेन देन जस्ट प्लेन पैसा। वो अलग है, जो लेन देन का पैसा है वो डन, वो अलग है, इसमें क्योंकि उसके घर में जब कोई फंक्शन होता है वो आपको भी बुला लेगा, कई लोग आते हैं, भीड़ में कई लोग आते हैं, आप भी हो, दैट बिकम्स अ गुड प्लेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आई कैन गिव हिम अ पर्सनल गिफ्ट जिसके अंदर पर्ची होगा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे क्या चाहिए, आदान प्रदान भी हो जाता है और लोगों को शक भी नहीं होता और पता भी नहीं लगता। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अभी इट सीम्स टेक्नोलॉजी काफी अपग्रेड किया है, क्योंकि अभी जो पाकिस्तानी जेल के अंदर जाके कुक ने खाने में डाल दिया है, द प्रॉब्लम विद द वेस्टर्न इंटेलिजेंस इज दैट मोसाद, उनका इंटरनल शिनबेथ है जो इजरायली वाला है, अपना आईबी जैसा वो शिनबेथ बोलते, ये लोग बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग्स। रिजल्ट हो गया, आप देख लो 7 तारीख को क्या हुआ था, नवंबर 7th। इट इज नाइस कि हमारे लोग उतना डिपेंड नहीं करते, वो भी है, इट बिकम्स ए वन मोर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन इंटेलिजेंस, कंफर्म करने के लिए कि ये मेरा सोर्स सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है।
यू डोंट टोटली डिपेंड ऑन दैट. अगर ह्यूमन नहीं है यू विल हैव अ प्रॉब्लम. आई कैन गिव यू फीड यू फॉल्स इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो. तो यू गॉट टू बी केयरफुल. और उसी के चलते आपको क्लियर पता लग गया ना बंदा कौन है. आपने कुक को कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, उसने उसको पॉइजन कर दिया. अब वहां सोसाइटी इतना बिखरा हुआ है, मतलब अब तो है ना वो देश तो है ही नहीं. किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अब पैसे के लिए तो वो कुछ भी कर देंगे, किसी को भी लेके कुछ भी कर देंगे. तो अब ये धीरे धीरे डर आ रहा है कि वो तो आपस में डर लगेगा उनको कि ये मेरे साथ क्या कर देगा, कौन क्या कर देगा. सर इस बार लगता है नंबर्स बहुत अच्छे एम्प्लॉय किए, क्योंकि मणिपुर में 13 गए, पाकिस्तान में हर रोज जा रहे हैं, गाजा में अलग से जा रहे हैं, यूएसए में अलग से जा रहे हैं, कनाडा, ऐसा लग रहा है अननोन मेन की एक आर्मी है जो पूरी तैयार की गई है. बाकायदा आर्मी तैयार करने की जरूरत नहीं है ना. देखो जैसे पाकिस्तान और क्या आता है उनके बंदों को, इसके अलावा मारधाड़ के अलावा कुछ आता है? कुछ नहीं आता. यही करते रहे बचपन से, यही सिखलाई है. अब पैसे के लिए कुछ भी कर देगा वो. उनमें से आप अपना ध्यान से देख के चुन लो विच इज द बेस्ट और उसको पैसे दे दो, वो करके आ जाएगा. ऐसे थोड़ी होता है जो यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने चार्जशीट में कि उसको बुलाया, गाड़ी में बैठाया, ये किया वो किया, वीडियो रिकॉर्डिंग कॉल. अरे क्या जी, नहीं इट इज गुड स्ट्रैटेजी ना, हींग लगे ना फिट करी रंग चढ़े चोखा. बिल्कुल बिल्कुल. और बंदा करके चला जाता है कि बोलते ना सांप तो निकल गई, बस लकीर पे लाठी मारते रह गए. जी राइट, बहुत इंटरेस्टिंग है सर. सर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक द लास्ट वन, एक जो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है विच वी लैक्ड अर्लियर, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, एनआईए हो गया, इसने भी एक बहुत सॉलिड फुटिंग दी है भारत के इंटेलिजेंस को. नहीं तो पहले हर दूसरे हफ्ते कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था, इट वाज लाइक अ कॉमन थिंग. आप देख लो, सी जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो कुछ अंदर हो रहा है वो बाहर से इंस्टिगेट किया जा रहा है. वो बाहर से पता करके बताने का काम रॉ का है, और रॉ यहां पे बता देता है और आईबी और एनआईए बैठ के सॉर्ट आउट कर देते. तो ये कोऑर्डिनेशन तगड़ा है ना, और ये चाहिए. आई एम श्योर एमआई वाले भी हैं, उनके भी एजेंट्स बाहर काम करते हैं, उनके थ्रू भी वो भी रॉ के साथ उनका अच्छा वो रहा होगा और चल रहा होगा कोऑर्डिनेशन. सर सुनने में आ रहा है कि रॉ के साथ दो से तीन इंटेलिजेंस एजेंसीज इस वक्त ऑन द सेम प्लेटफॉर्म है व्हेन इट कम्स टू टेररिस्ट एंड ऑल. मोसाद तो डेफिनेटली है, मोसाद के बारे में बात होती रही है, और सीआईए भी काफी फैसिलिटेट कर रही है, प्लस MI6 MI5 जो भी आपने कहा. सो देयर इज सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सम नेटवर्किंग, मतलब धीरे धीरे धीरे. देखो आप ये लार्जर पिक्चर है जो मैंने डीप स्टेट के ऊपर दो चार टॉक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म में भी दिए हुए हैं कि 50-60 साल से ये लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट को यूज कर रहे थे टू कंट्रोल दी ग्लोब. जो अब जो क्राउन काउंसिल है उनका, दे हैव रियलाइज्ड कि इनका काम हो गया है अब, बिकॉज चाइना दे हैव डिपॉजिटेड आउट, और इंडिया है जगह जहां पे फ्यूचर इनको मिलेगा, और आगे चल के इंडिया एंड अफ्रीका होगा. तो उसी चलते आप देखो इंसिडेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, ये सारे आपके साथ मिल रहे हैं धीरे धीरे. अब धीरे धीरे इसलिए कह रहा हूं कि जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो सोसाइटी के हर सिस्टम के अंदर पहुंच गए, उनको धीरे धीरे करके ही निकाल सकते हो. और वो ऐसे तो जाएंगे नहीं ना, शोर शराबा करके ही जाएंगे. बट ये दिख रहा है आपको, नेक्स्ट आपको मेजर दिख रहा है द पुशबैक टू द कॉलोनियलिस्ट्स इन अफ्रीका. जैसे वेस्ट अफ्रीका में काफी हिस्सा फ्रेंच कॉलोनी होता था, उधर फ्रेंच
फ्रांस ने अपना फ्रैंक वहां पे दे रखा था एज देयर करेंसी. दोज कंट्रीज डिड नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट करेंसी एंड द कंप्लीट इकोनॉमी वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय फ्रांस. पैसा सारा फ्रांस को जाता था, फ्रांस इनको देता था और पैसे इनके हैं. अब फ्रांस को चुपचाप से बोला गया गेट लॉस्ट. जैसे नाइजर में क्यू हो गया, सब तरफ क्यू हो गया. अभी उनको ये डर है कि बल्क ऑफ नाइजर इज वेरी रिच इन यूरेनियम. उनको सारा यूरेनियम जो फ्रांस में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स चलते हैं यूरेनियम यहाँ से जाता है. 90% कम्स फ्रॉम नाइजर, वो खत्म है. तो धीरे 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 वो निकल के आपको देखोगे एक नया ये चल के आ रहा है और उस चलते सॉर्ट आउट करने के लिए इन सबका साथ है. आई वोंट ट्रस्ट द CIA एंड MI5 दैट मच एट द मोमेंट, क्योंकि उनके अंदर वो वोक और लेफ्टिस्ट काफी भरे हुए. पहले उनको भी वीड आउट करना है. शायद उनको वीड आउट करने के लिए हमारी मदद ले रहे होंगे कि पहचान के बताओ कौन, पहचान कौन बता हमें. मुसाद में भी हैं बट उतने नहीं हैं, MI5 और उसमें तो भरे हुए हैं. तो उनको बताना पड़ेगा ना कि ये हैं, इनको निकालो. और मेरे को लग रहा है सबसे पहले शॉर्ट विक्टोरिया न्यूलैंड को पड़ा हुआ है. स्टेट डिपार्टमेंट भरा हुआ है उनका, हमारे भरे हुए हैं पूरे. कितने उनके यूनिवर्सिटीज भरे हुए हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज भरे हुए हैं. आप देख लो किस तरह का स्टेटमेंट पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, MIT और हार्वर्ड वाले. और जब पेंसिल्वेनिया वाली को थप्पड़ पड़ा होगा तो वहां जाके फिर मुकर के नहीं 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 आई डिडंट मीन दैट, आई वोंट डू दिस. लेकिन यही है ना, ये तो हो गया है. विल दे बी सैक्ड? नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज, आनंद महिंद्रा तो बड़े देशभक्ति के ट्वीट करते हैं लेकिन पीठ पीछे हार्वर्ड को पैसे भेज रहे हो. हार्वर्ड में इतना कुछ हुआ, एक स्टेटमेंट इसने दिया उसके अगेंस्ट, तो कौन सी देशभक्ति बात कर रहे हो आप? बस मुंह से, जबान से सर, काम से नहीं. वहां दे रहे हो, वहां पे ये सब हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट बोलने को तैयार नहीं हो. टाटास भी देता है यार, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड को क्यों दे रहे हो? उसके जगह हमारे एक जगह दो ना आप, हमारे यहाँ देने के लिए. ओ, नहीं 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 नहीं, हमारा वो नहीं नहीं, हमारा जो बोर्ड है उसके रूल्स अलाउ नहीं करता. तो कौन सा रूल है जो कहा है तुमको हार्वर्ड दे सकते हो? तो मेरे को लगता है अभी IBA नहीं है, को इनके ऊपर भी थोड़ा नजर. नजर रखना चाहिए कि इनके पैसे जा कहाँ रहे हैं. पैसे जा कहाँ रहे हैं? हाँ, उधर ही जा रहे हैं, उधर से रूट होके कहीं और जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं, किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, वापस यहाँ खबर भेजो ताकि इनकी भी टोटी टाइट करो. जी, ट्रू. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? नहीं नहीं नहीं, मैं तो केवल अपने देशवासियों से कहूंगा जी, अपने रॉ के ऊपर भरोसा रखिए. वही नहीं है वो, एंड दे आर डूइंग अ वेरी टफ जॉब. लर्न टू अप्रिशिएट. अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एयर कंडीशन रूम में बैठ के दारू पानी पी के सो रहे हैं. ना जी, काम इसका मतलब ये कि धार तेज की जा रही है. धार बहुत तेज है और काम हो रहा है और चुपचाप से हो रहा है. और अपूर्व श्रद्धांजलि हमारे अननोन गनमैन को. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.